हाँ कथा बोलो। डॉक्टर अगर अब अभी मुझसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो क्या हम न्यूयॉर्क के डॉक्टर से थोड़ा वक्त और मांग सकते हैं? या इंडिया में कोई डॉक्टर्स की टीम वो भी तो बचा लेगी ना आरव को। डॉक्टर तुम नहीं कर पाओगी इंतजाम? कथा तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमें 2 साल लगे हैं आरव के लिए डोनर और न्यूयॉर्क में सर्जन की टीम ढूंढने के लिए। थैंकफुली आरव अब तक लड़ रहा है कैंसर से, वो भी विदाउट ट्रांसप्लांट। बट कथा अब उसके पास टाइम नहीं है। आप तो इतने सालों से आरव का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आप बचा लेंगे उसे। मुझे पता है डॉक्टर, आप बचा लेंगे उसे। हमें न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स की टीम की कोई जरूरत नहीं है। आई नो आप बचा लेंगे उसे डॉक्टर। आई नो यू कैन। कथा रिलैक्स, कब से लड़ रही हो तुम? थक गई हो पता है मुझे। देखो हम डॉक्टर्स जो रोज लोगों को मरता हुआ देखते हैं, हम में वो परख होती है ये जानने की कि कौन सा पेशेंट लड़ सकता है अपनी बीमारियों से और कौन सा परिवार लड़ सकता है अपने हालातों से। कथा तुम्हारा आरव लंबे समय से लड़ रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने उसे कभी हार मानने नहीं दी और उसे पता है कि उसकी मम्मा है। ये डॉक्टर, सॉरी। कथा मैंने अपने करियर में कई सारे ऐसे केसेस देखे जहां पे माँ बाप करोड़ों लेकर भी अपने बच्चों के लिए डोनर नहीं ढूंढ पाते। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों की बीमारियां ही उन्हें मौका नहीं देती उनकी लाइफ बचाने के लिए। बट कथा तुम्हें वो मौका मिला है। I'm sorry to say, ये आखिरी मौका है। कुछ भी करो बट प्लीज पैसे का इंतजाम कर लो। सॉरी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लेकिन अब मेरी भी कुछ शर्तें हैं। ऐसी शर्त? ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। मेरे काम पे या मेरी नौकरी पे इसका कोई असर नहीं होगा। बस ये एक रात। आज रात। और कुछ? आज रात खत्म होते ही मुझे सारा पैसा भी चाहिए। Thank you.
ठीक है। आज रात मुझे 1,02,17,000 का लोन चाहिए। मेरे साथ एक रात बितानी होगी, 1 रात 1 करोड़। डोनर मिल गया? मिल गया। मैं ठीक हो जाऊंगा? ठीक हो जाओगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं तो बस कोशिश कर रहा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने का, पर अंधेरा तो हर तरफ से काला नजर आता है। दिस रियली डिलिशियस है ना? अच्छा एसन, व्यान कब तक आने वाला है लंच के लिए? लो, आप पहले बोल देते तो पहले ही आ जाता। वो हीरो की एंट्री होती है ना, एकदम ऑन क्यू। आज इतने दिनों बाद लग रहा है कि मेरी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के लंच कर रही है। थैंक्स अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। भाई ऑर्डर वॉर्डर ले रहे हैं क्या? फिर से वही घास फूस वाला सैलेड खिलाएगा। व्यान, और सैलेड के लिए सारी चीजें लाना। सैलेड ही खिलाएगा आज भी। अच्छा एसन, डिड यू टेक दीज पिक्चर्स? क्या? अरे तेजी ने अपनी नई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोली है सिंगल मदर्स और उनके बच्चों के लिए। फेवर चाहिए। 1,02,17,000 मेरी भी कुछ शर्तें हैं। आज रात खत्म होते ही मुझे सारे पैसे चाहिए। वाओ आंटी, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। थैंक यू। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, मुझे बिंदास बताना। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तुम दोनों से कान खोल के सुन लो, तुम दोनों, उम्र हो गई है हमारी दादी बनने की, पोते पोतियां चाहिए हमें। अग्री। मेरे काम पे या मेरी नौकरी पे इसका कोई असर नहीं। बात सिर्फ हमारे बीच में रहे। फेवर चाहिए, मुझे सारे पैसे चाहिए। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। देखो तुम दोनों की ना परफेक्ट एज है अभी शादी की, और अगर तुम दोनों ने जल्दी से अपने लिए कोई लड़कियां नहीं ढूंढी ना, तो मैं और तेजी अपनी पसंद की लड़कियां ले आएंगे। Mom, I'm absolutely okay with शादी, लेकिन एक कंडीशन है। What? आप लड़के नहीं ढूंढोगे। What? हाँ, आंटी आपका तो पता नहीं, पर मॉम को ना मेरे लिए बीवी नहीं, अपने लिए बहू चाहिए, और हमें बहू नहीं बेब चाहिए। व्यान, He's too much. सुन रहा है भाई? भाई कुछ तो बोल दे, लाइफ का डिसीजन चल रहा है यहाँ पे। व्यान तू भी बता दे, तेरी भी कोई शर्तें हैं तो। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। मेरे काम पे या मेरी नौकरी पे इसका कोई असर नहीं होगा। आज रात खत्म होते ही मुझे सारे पैसे चाहिए। I swear these boys, huh? माँ आजकल सारे रिश्ते शर्तों के साथ आते हैं।
और शर्तें इतनी छोटी लिखी होती है, पता ही नहीं चलता कब फंस गए। लेकिन भाई भरोसा भी कोई चीज होती है नहीं? बिल्कुल होती है, इसलिए जब टूटता है तब। आप लोग ना प्लीज इस पे प्रेशर थोड़ा कम डालो। देखो बेचारा मेरा भाई कैसे फिलोसफिकल गहराइयों में धसता चला जा रहा है। सैलेड खाने वाला इंसान है, आप इसके मुंह में शादी का लड्डू ढूंस रहे हो तो कैसे हजम होगा। एनीवे आंटी आप इसे छोड़िए, व्यान आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चल रही है? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। क्या? आज एनजीओ में एक औरत आई, गार्ड ने उसे रोका तो वो भाग के अंदर आ गई। बहुत डेस्परेट लग रही थी बेचारी, मैं तो डर गई उसे देख के। और पता है उसे क्या चाहिए था? क्या? सॉक्स। व्हाट? सॉक्स? या एज इन मोजे। पुराने बर्तनों को बेच के जूते तो खरीद लिए थे उसने अपने बेटे के लिए, लेकिन मोजों के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। इट ब्रोक माई हार्ट व्यान। ऑर्गेनाइजेशन के फंड से मैंने उसे थोड़े पैसे लोन दे दिए। सर मुझे एक लोन चाहिए। नो मानो, यू हैव टू बी केयरफुल। आपने ऑर्गेनाइजेशन अभी खोली है, बहुत सी फ्रॉड औरतें होती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लूटने के चक्कर में रहेंगी। आप अच्छा करने की कोशिश में हो लेकिन बाद में बस चीटेड फील होगा आपको। व्यान वन सेकेंड, उन्होंने पूरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोला है, अगर लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो चैरिटी कैसे करेंगे? एनीवे आंटी आई एम रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, आपकी एनजीओ की पहली चैरिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये अच्छा रहेगा। आज रात डिनर? या व्यान डिनर एट रॉयल पोर्ट। क्या डिनर? आज नॉट पॉसिबल। क्यों? काम है, खत्म करना जरूरी है। तू मां और आंटी को लेके जा। पर क्या काम? अरे क्या हो इसे? ओए मेरे बच्चों, आरना बेटा, दादू की तबीयत ठीक नहीं है, उनको तंग मत करो, चलो अपने रूम में आओ। मम्मा मुझे एक नया टैब चाहिए, ये मुझसे शेयर ही नहीं करती। मैंने इसको अपना डॉल हाउस शेयर तो किया था, पर इसने क्रेयॉन से कलर करके उसका क्लाउन हाउस बना दिया। मैं काम करती हूँ, इसका टैब दे देती हूँ, आप मुझे नया डॉल हाउस ला के दे दो। वो अभी तो लेके दिया था मैंने। ओए रीत पुत्र, ये जो मांग रही है इनको लेके दे देना, वैसे भी पढ़ाई के काम आता है। हाँ? और डॉल हाउस का प्रॉमिस तो आपने दादी से ले ही लिया है। अब मम्मी जी की तो आदत है बच्चों पर सब कुछ लुटाने की, पर पापा जी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना बच्चों का। बेटे बच्चों के मन की बात जरूर पूरी करनी चाहिए। और आरना दादू को क्या बोलती है? मेरा पुत्र। पापा जी तुसे भी ना कितना पैम्पर करते हो अपने ग्रैंड डॉटर्स को, अगर आपका ग्रैंडसन आ गया तो आप तो निहाल हो जाओगे उस पे। चलो पापा, काबा जी के साथ मीटिंग है तो मैं निकलता हूँ। अरे पापा डॉक्टर को बुला लो ना यार। आज तक कभी डॉक्टर आया जो अब आएगा है? हमारी जनरेशन ना घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती है। तू जा अपनी मीटिंग कर जा। चलो फिर आप ध्यान रखो, ठीक है? जी पर है। युवराज हाँ ये लो। हाँ सुन, ये ताला चाबी है, दूर दूर क्यों है? पापा जी ने मना कर दिया ना कथा को पैसे देने के लिए, बस फूफू लाके बैठी है मम्मी जी, बदला ले रही है अपने तरीके से और कुछ नहीं। चल कोई नहीं, तू ख्याल रख सबका। कविता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पूरा बदन टूट रहा है। पापा जी मैं आपके लिए काढ़ा बना दूं? I mean, बनवा देती हूं। नहीं पुत्र तू रहने दे,
अपनी मम्मी जी को बोल के मेरे लिए सूप बना दे, सर भी फट रहा है मेरा। सरिता साहब के लिए सूप बना दे दाल का। रीत मना कर दे सूप के लिए। सरिता सूप कैंसिल। अब क्या रहा ना, चलो अब अपने रूम में चल। जाओ बेटा। आज सूप नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे हाथ का सूप चाहिए। सरिता को तनख्वाह मैं देता हूं, उसे मैं भी बोल सकता हूं सूप बनाने के लिए। पूरी दुनिया की बीमारी दिखाई देती है तुमको, मैं कब से यहां बीमार, वो नहीं दिखता तुमको? ये पापा जी ने मेरी तरह बिहेव करना कब से शुरू कर दिया? आरव इंजेक्शन का टाइम हो गया। मामा सो रही है। चलो अब एक लंबी सांस लो। सो जा। मैं बोर हो रही थी इसलिए सो गए। नहीं, आप थक गए थे इसलिए सो गए। मेरा बंदर सो गया था इसलिए मम्मा भी सो गए। ओके, पर मैं बीमार हूँ तो आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। मेरे मंकी को ऑल ग्रोन अप होने की जरूरत नहीं। मम्मा क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? क्या हुआ आरव, तुम मम्मा की मम्मा क्यों बन रहे हो? नहीं मम्मा, मुझे नहीं चाहिए मैजिक आरव। मम्मा घर चलो। मम्मा हम कितने हैप्पी थे यार वहाँ पे, जो होगा मैं देखूंगा। मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं बनना क्रिकेटर। मम्मा मुझे नहीं बनना। मम्मी घर चलो। आरव 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 रिलैक्स आरव रिलैक्स। Look at mama. Ara, relax. Relax. Okay? Listen. Now let's have a grown-up conversation, okay? Okay. Listen. Mama बहुत मेहनत कर रही है ताकि उसका मंकी ठीक हो जाए, क्योंकि मम्मा चाहती है कि वो हैप्पी हेल्दी लॉन्ग लाइफ जिए और वो बहुत बूढ़ी हो जाए, खड़ूस हो जाए, लाठी लेके चले, लेकिन फिर भी बहुत खुश हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कौन होगा? The only man of her life, मेरा हैंडसम गबरू जवान बेटा आरव। समझ में आया? मम्मा जो सब कुछ कर रही है ना, सब अपने लिए कर रही है। ओके मम्मा, मैं बनूंगा आपका गबरू। Whatever it means. Gabru means hatta katta young man. Aur monkey, mama ki life mein Aarav ke alawa hai hi kaun? You are the man of her house. Aur aaj agar aap zid karke mama ko ghar le gaye to mama ki to sari planning chaupat ho jayegi yaar. No going home. Yes. मैजिक ट्रीटमेंट। नो क्राइम। यस स्माइलिंग। मम्मा नो जाना किधर? यस आरव के पास रहना। मुझे आपकी शर्त मंजूर है,
कब? आज रात। मंकी, मम्मा को ना आज रात जाना होगा काम से, लेकिन बस आज की रात, आई प्रॉमिस। और रेवा आंटी है ना, वो आपके पास आ जाएंगी और वो लॉलीपॉप के फोटोज और वीडियोस भी लेकर आएंगी। हाँ मम्मा, आप पूरी रात ऑफिस पर रहोगे? सोओगे कहाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.